इस तरह अब हमने सारे के सारा अच्छी तरह से, अगर आपके मलमल का कपड़ा है तो आप उससे भी यूज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी क्रिस्पी से जो उनसे ये तैयार हो रहे हैं, ये देखें ये तो व्यूअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए जो से हमारे हैश ब्राउन हो गए हैं तैयार, तो मैं एक आपके सामने तोड़ती हूँ उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए अगर आप लोग चाहें तो उसको चीज़ के साथ भी बना सकते हैं गर्मा गर्म। ये मज़ेदार से चौंसी होगी हमारी रेसिपी तैयार। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स आप लोगों ने अगर तक हमारे चैनल को किसी को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग हमारे चैनल पर नहीं है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे नाज़रीन को सब्सक्राइब करें और बेल पर प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप लोगों का प्यार हमारी सपोर्ट है। तो व्यूअर्स बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी मैं आप लोगों को लेकर हाजिर हुई। यहाँ पे हम लोग आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं मैकडोनल्ड हैश ब्राउन, और यहाँ पे मैंने जौन से दो आलू ले लिए हैं, इनको मैंने छील लिया है, और यहाँ पर जौन सा है मैंने कद्दूकश लिया है। इसको हम लोगों ने जौन सा है वो कद्दूकश कर लेना है आलुओं को। तो आप लोगों को दिखा देते हैं, सारे आलुओं को हम लोगों ने इसी तरह जौन सा है कद्दूकश कर लेना, और फिर मैं कद्दूकश करने के बाद आपको दिखाती हूँ कि हम लोगों ने जो होते हैं मज़ेदार से मैं स्टाइल हैश ब्राउन जो से तैयार करने हैं वो कैसे हम तैयार करेंगे आप लोगों के साथ। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो से हैं आलू सारे कद्दूकश कर लिए हैं, और यहाँ पर मैंने लिया है ठंडा पानी। अब ये सारे के सारे जो से आलू हैं मैंने इसके अंदर डाल के अच्छे से इसको वॉश कर लेना है। जो बर्फ़ वाला ठंडा पानी है उसके अंदर हमने ये देखिए ये जो झाग आ गई है ना, इसको हम लोगों ने सबको डाल लेना है इसके अंदर। इस तरह अब हमने ये सारे के सारा अच्छी तरह से, अगर आपके मलमल का कपड़ा है तो आप उससे भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से जो सा है उस तरह निचोड़ के रख लें। ये तो भी बस आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो से कद्दूकश ये आलू मैंने इनको ठंडे पानी से जो सा है वॉश करने के बाद अब यहाँ पर जो सा पैन में डाल लिया है। अब इसके अंदर आपके पास ऑप्शन है, अगर आप लोग चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं, अगर चाहे तो कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। बिल्कुल हम लोगों ने सिर्फ एक चम्मच कुकिंग ऑयल का शामिल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इससे ज़्यादा नहीं हम लोगों ने शामिल करना। अब इसको जो सा हम लोगों ने हाफ़ कुक कर लेना, जितने भी हमारे आलू है ना इनको हम लोग हाफ़ कुक कर लेते हैं, और फिर फर्दर जो से हमारे हैश ब्राउन की रेसिपी है उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आई होप व्यूअर्स कि आपको जो सी आज की रेसिपी पसंद आएगी, पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें, और हमारी वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आप लोगों का प्यार है और हमारी हौसला अफजाई है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि जो से अब आलू हमारे हाफ कुक हो गए हैं, तो अब मैं इसको जो से अब निकाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसको जो सा ठंडा होने के लिए वो छोड़ देती हूँ 5 मिनट। जी तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि ये आलू के अंदर मैंने जो सा है 2 चम्मच मैदे के 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के डाल दिए हैं, और इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ काली मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हसबे ज़रूरत जो सा है वो नमक, और थोड़ी सी जो सी है वो लाल मिर्च पाउडर। बस अब इन सब चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से जो सा है वो मिक्स कर लेना है। जी तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि सारा जो सा मिक्सचर है मैंने उसको यहाँ पे फैला लिया है, और यहाँ पे ये देखें मैंने गूंद के भी इसको रख लिया है। इस तरह से सब जो मिक्स कर लिए चीज़ों को, अब एक नाइफ़ की मदद से आप लोगों ने जो सा है उसको इस तरह से कट कर लेना है, ठीक है, इस शेप में मैं इसको कट कर लेती हूँ, और फिर इस तरह से अब इसको कट करने के बाद जो सी इसकी हम वो शेप बना लेते हैं। और अब इसको ज़्यादा मतलब अच्छी तरह से कट करने के लिए ये है कि आप इसको फ्रीज़र में रख दें थोड़ी देर, आप इसको मतलब आधा घंटा छोड़ दें, थोड़ा सख्त हो जाएगा। जब सख्त हो जाएगा तो वो इजीली कटिंग हो सकती है इसकी, लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं है तो मैं इसको इसी तरह ही मैनेज करूँगी। ये तो व्यूअर्स अब मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल रखा हुआ गर्म होने के लिए, इसमें मैं इसको फ्राई करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह बाकी जो से हमारे हैश ब्राउन उनको मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि जो से हैश ब्राउन मैंने डाल दिए यहाँ पर, और कलर जो है उसका गोल्डन होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी फुली ये जो से कुक नहीं हुए क्योंकि थोड़े से ये मोटे हैं, तो इसको हम लोगों ने मीडियम टू लो फ्लेम पर ही बनाना है। ये देखें तो मैं ये चेंज भी करके आपको दिखा देती हूँ। देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी क्रिस्पी से जो से ये तैयार हो रहे हैं, ये देखें, लेकिन अभी ये कुक नहीं हुए तो मैंने सबके साइड जो से है वो चेंज कर दी है। तो अब मैं इसको जो सा और थोड़ा सा टाइम देती हूँ ताकि जो फुली कुक हो जाए। तो खुशबू माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो अब आप लोगों ने घर में बच्चों को ये बना कर देने हैं, और इंशाल्लाह ये मैकडोनल्ड से ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा और कुक करके फिर आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक।
जी। तो व्यूअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए जो से हमारे हैश ब्राउन हो गए हैं तैयार, तो मैं एक आपके सामने तोड़ती हूँ उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए। अगर आप लोग चाहें तो उसको चीज़ के साथ भी बना सकते हैं, गर्मा गर्म ये मज़ेदार से जोंसी होगी हमारी रेसिपी तैयार। तो व्यूअर्स आई होप कि आपको जोंसी आज की रेसिपी पसंद आएगी, पसंद आए तो हम अपनी फीडबैक ज़रूर दें, और हमारे चैनल को इतना सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो व्यूअर्स लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ होंगे इस रेसिपी को ट्राई करें और हमें अपनी फीडबैक दें। अल्लाह हाफिज़।